The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम वीडियोस सारी ऑथेंटिक हेल्थ केयर पे बनाते हैं और आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैंसर के बारे में। कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे डायग्नोस होता है, कैसे ट्रीट होता है, पूरा ओवरऑल ओवरव्यू आपको आज हम देंगे। और ये सीरीज़ होगी, इसमें हर एक टाइप का कैंसर अटमोस्ट डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, बट ओवरव्यू इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो कैंसर क्या है? कैंसर एक आप ही के बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाने से वहाँ पर अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, राइट। सो इस टाइप के एबनॉर्मल सेल्स को हम कैंसरस सेल्स या मेलिग्नेंट सेल्स भी कह सकते हैं। और होता ही आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स से ही। नॉर्मली क्या होता है, आपकी नॉर्मली बॉडी के सेल्स बॉडी को जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, तब वो मल्टीप्लाई करते हैं, एक से दो बनते हैं। और जब नहीं रिक्वायरमेंट होती या वो सेल डैमेज हो जाए तो वो सेल मर जाते हैं, राइट। इस तरह से बॉडी कंट्रोल करती है। जिस तरह आप, इसी तरह आपकी स्किन जो है एवरी 28 डेज ग्रो होती है, बाल गिरते हैं, बाल आते हैं, वैसे ही आपके हर एक बॉडी के टिश्यूज़ में भी कई हद तक, कुछ हद तक रीजनरेशन होता रहता है, राइट। किसी में कम, किसी में ज़्यादा। और कैंसर तब होता है जब इन में से किसी भी सेल में जो उनके अंदर का डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि एक से दो होते हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल जो है रेप्लिकेशन होता है, राइट। सो जेनेटिक मटेरियल में कुछ गड़बड़ी आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, उससे ये सेल की ग्रोथ मल्टीप्लाई की स्पीड और तेज़ी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो उसके जो डेथ रेट है उससे बिल्कुल भी ऊपर बढ़ जाए, वो मर नहीं रहे बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो कैंसर हो जाता है। इस टाइप के कई कई ऐसे कैंसर हैं जो ऐसे होते हैं, राइट। और कैंसर्स किसी भी टिश्यू, किसी भी ऑर्गन में हो सकते हैं, आपके लंग में, आपके आंत्रियों में, ब्रेस्ट में, स्किन में, बोन में, लिवर, लंग, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं, नसों में भी, दिमाग में भी। सो क्यों होता है कैंसर, रिस्क बढ़ाएगा? देखो बेसिकली ये तो कैंसर हो गया, लेकिन ये म्यूटेशन क्यों होगा सेल्स में? म्यूटेशन होने के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है कि आपको ये सारे में से रिस्क फैक्टर, आपके चांस बढ़ जाएंगे म्यूटेशन। क्या रिस्क फैक्टर? केमिकल एक्सपोजर। अगर कोई केमिकल फैक्ट्री, केमिकल प्लांट आपके आसपास है और या आप खुद ही उसमें काम करते हैं, जैसे कोई केमिकल्स जैसे बेंजीन हो गए या दूसरी केमिकल्स से आपका एक्सपोजर हो रहा है बार बार, तो वो रिस्क फैक्टर। या आप बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, रिस्क फैक्टर। आप कोई एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, राइट, यानी जैसे एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं, कुछ मोल्ड्स जो कि पीनट्स में ग्रो कर जाते हैं उनसे, या कोई पॉइजनस मशरूम्स होते हैं तो बाहर के एनवायरमेंट के टॉक्सिन से एक्सपोज हो रहे हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं, मोटापा रिस्क बढ़ाता है, राइट। वायरल इन्फेक्शंस रिस्क बढ़ाते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर रिस्क बढ़ाता है, किसी भी प्रकार का रेडिएशन, इवन एक्सरे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्सरे नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं करते, एक्सपोजर क्यों बढ़ाएं, राइट। रेडिएशन एक्सपोजर, इवन सनलाइट का एक्सपोजर, धूप का एक्सपोजर से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही लास्ट भी जेनेटिक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, आपके जीन्स, उसमें अगर कैंसर बहुत ज़्यादा फैमिली में पाए जाते तो आप थोड़े से रिस्क फैक्टर से भी आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। और कई ऐसे कैंसर हैं जिनके कई सारे रिस्क फैक्टर अभी तक पकड़े नहीं गए, यानी अब तक पता नहीं चले, आगे चल के चल सकते हैं, हो सकता है मिलावट के वजह से, खाने पीने में मिलावट, उल्टी सीधी चीज़ों की वजह से कैंसर हो रहा है, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं और होता भी है। मोस्ट कॉमन ऐसा कौन सा कैंसर है जिससे सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, मौत होती है? लंग कैंसर, ठीक है। दूसरे कॉमन कैंसर्स कौन कौन से हैं? स्किन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल आथड़ियों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, राइट, ये सब बहुत कॉमन है, तो बहुत पाए जाते हैं लोगों में।
राइट और भी प्रकार के कैंसर जैसे ब्रेन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, किडनी कैंसर, हॉजकिंस लिम्फोमा, ब्लड कैंसर, लिवर, नॉन हॉजकिंस, ओवेरियन कैंसर, पैनक्रियाज, टेस्टिकल, थायराइड, यूट्राइन, सारे कैंसर हो सकते हैं, कहीं भी कैंसर हो सकता है। तो कैंसर होगा तो होगा क्या, सिम्टम क्या होगा? देखिए कहाँ कैंसर हो रहा है और किस तरीके का है, किस टाइप का है, उस पर डिपेंड करेगा। मान लो लंग में है, फेफड़ों में कैंसर है, तो फेफड़ों में कैंसर होगा तो आपको खांसी आ सकती है, बलगम हो सकती है, आपको सांस फूल सकती है, आपको छाती में दर्द भी हो सकता है, लेकिन डायरिया नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अथड़ियों में कैंसर है तो आपको लूज मोशन, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको लैट्रिन में खून भी आ सकता है, लेकिन सांस, इसमें खांसी बलगम नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि कहाँ गड़बड़ चल रही है और उस एरिया का जांच कर सकते हैं, राइट। और कई ऐसे कैंसर भी होते हैं जो कि कोई सिम्टम ही नहीं बताते जब तक बहुत आगे के स्टेज तक नहीं पहुँच जाएं, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर है ना। और ज़्यादातर कई कैंसर्स लोग हो सकते हैं इनिशियल स्टेज में बहुत ही माइल्ड सिम्टम बताए, जो कि कई कई बीमारियों में होते हैं, जैसे सिर्फ ठंड लग रही है, थोड़ा थकावट हो रही है, बुखार सा लग रहा है, खाना खाने का मन नहीं करता, रात को थोड़े से पसीने आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, वज़न कम हो गया है। वज़न कम होना एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता ज़रूर है। तो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं लोगों का। जब भी हमें मान लीजिए कैंसर के कहीं पर अल्ट्रासाउंड में कहीं पर कोई भी एक ट्यूमर दिख गया, ग्रोथ दिख गई कि सेल्स ग्रो हो रहे हैं, तो दिखेंगे कहीं ना कहीं, तो दिखेंगे तो दिख जाते हैं, तो उस ट्यूमर की, उस ग्रोथ की बायोप्सी करनी ज़रूरी है, उसका एक टुकड़ा लेके उसकी जांच करनी ज़रूरी है। वो जांच ही सारा कुछ बता देती है कि वो क्या है, कैसा है, क्यों है। और इसके अलावा ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, उसमें ट्यूमर मार्कर देखे जाते हैं, ऐसे कुछ एंजाइम केमिकल्स होते हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि अगर वो ज़्यादा है तो कोई आपके अंदर उस तरीके का ट्यूमर होगा, हो सकता है। ब्लड कैंसर हो तो बोन मैरो बायोप्सी, चेस्ट एक्सरे, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीटी स्कैन, लिवर फंक्शन, एमआरआई, पेट स्कैन, ये सब किया जाता है। कैंसर ने कहाँ कहाँ पे फैला है, बाकी फंक्शन सही चल रहे हैं या नहीं, वो सब देखने के लिए। ज़्यादातर कैंसर्स का डायग्नोसिस बायोप्सी करने से हो जाता है, राइट। लेकिन ये भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है कि हर जगह की बायोप्सी नहीं हो पाती, कोई कोई जगह बहुत डिफ़िकल्ट होती है पहुंचना, कोई कोई जगह की बायोप्सी बहुत आसान है, दिमाग में होगी तो बायोप्सी बहुत मुश्किल है ना। सो कई कैंसर्स की सीटी स्कैन ज़रूर हो जाता है उस पता करने के लिए कि ट्यूमर बेसिक कहाँ है, कितना बड़ा है, कितना डेप्थ है, राइट। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कैंसर का डायग्नोसिस जब होता है तो पेशेंट के लिए कोप करना मुश्किल हो जाता है, फैमिली के लिए कोप करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उस समय नॉलेज बहुत ज़रूरी है, सही जानकारी, सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कैंसर पे, कैंसर कहाँ है, किस प्रकार का है और किस स्टेज पे है। स्टेज क्या होती है, कैंसर का स्टेज मतलब कि कैंसर नंबर वन कितना बढ़ चुका है, कितना ग्रो हो चुका है, और क्या वो उस ट्यूमर एक जगह के जगह से, पहली जगह से, ओरिजिनल जगह से दूसरी जगह फैला है कि नहीं फैला, ये स्टेज बताता है, ठीक है। अगर तो कैंसर एक ही जगह पे है और फैला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फैला, तो सबसे कॉमन, सबसे इजी ट्रीटमेंट ये है कि आप वाइड एक्सीजन करो, सर्जिकली कैंसरस टिश्यू को पूरा ही निकाल दो, उससे क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है, ख़त्म, आपको कैंसर नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉमनली स्किन कैंसर के साथ ऐसा होता है, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अथड़ियों के कैंसर के साथ भी ऑपरेशन किया जाता है ऐसी। अब मान लीजिए कैंसर फैल रहा है तो कैसे होगा, वो कैंसरस सेल्स जो है लिम्फ नोड्स, खून से जा सकते हैं, वैसे ही चीज़ों को अंदर दबा दबा के, मतलब स्किन से, मतलब आपके जो टिश्यू है जहाँ भी कैंसर होगा वो टिश्यू फैल सकता है, लंग का टिश्यू हार्ट में फैल सकता है, नीचे फैल सकता है, अथड़ियों का एक दूसरे में फैल सकता है, किडनी में फैल सकता है, पीठ में, हड्डी में फैल सकता है। तो लोकल इन्वेजन होता है, ब्लड इन्वेजन होता है, लिम्फ नोड इन्वेजन होता है, इस तरह से कैंसर फैल सकता है। अगर तो कैंसर सिर्फ एक हाथी लिम्फ नोड तक फैला है तो कई बार लिम्फ नोड को भी ऑपरेशन में निकाला जा सकता है, कई बार लिम्फ नोड को निकाल के चेक किया जा सकता है कि क्या लिम्फ नोड्स में कैंसर फैला है या नहीं, ये भी होता है।
ब्रेस्ट कैंसर केस में सेंटिनल लिम्फ नोड जरूर निकाला जाता है, या निकालना अच्छी बात होती है। और कई बार अगर कैंसर फैल ही चुका है और ऑपरेशन से पूरा का पूरा कैंसर नहीं निकाला जा सकता, तो फिर कई अदर दूसरे ऑप्शंस यूज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन से, लेज़र से कैंसर को ट्रीट किया जाता है कि वो छोटा हो जाए। उसके अलावा कीमोथेरेपी, दवाओं से कैंसर पे अटैक किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड कैंसर थेरेपी, टारगेटेड मतलब कई बार कैप्सूल्स वैप्सूल्स कैंसर के टिश्यू के अंदर पहुंचा दी जाती है, जो कि उसमें रेडिएशन होता है या कोई दवा होती है इस तरह से। तो कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि कॉम्बिनेशन एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं, राइट। और कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है, राइट। इसके अलावा इन सब चीज़ों के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट भी है। जैसे रेडिएशन थेरेपी है तो स्किन थोड़ी सी गर्म हो सकती है, थोड़ी सेंसिटिविटी इजीली थोड़ी लाल हो सकती है, आपको समझना होगा। और कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन, कोई भी इस तरह की थेरेपी हो, डाइट अच्छे से लेनी है, रेस्ट अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से अपने ख्याल रखना पड़ेगा कि और कोई बीमारी ना, सर्दी खांसी, कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो फैमिली के साथ साथ आपके आसपास लोग, फ्रेंड्स, सबको सपोर्ट करना, सबकी काउंसलिंग, सबको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। इसीलिए दिस वीडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो क्या हम कैंसर से बच सकते हैं? जी हाँ, कैंसर से प्रिवेंशन पॉसिबल है। प्रिवेंशन के लिए आप अपने रिस्क फैक्टर कम करिए, राइट। अच्छा खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज करो रेगुलर, कम दारू ना तो ना पियो, दारू बंद कर दो या कम पियो, लिमिट करो, राइट। एक वज़न अपना सही मेंटेन करो, ज़्यादा मोटे हो तो पतले हो जाओ, राइट। धूप में ज़्यादा जाते हो तो धूप में बहुत ज़्यादा मत जाओ, राइट। और अगर आप आराम से जल जाते हो तब तो कतई मत जाओ, ठीक है। और किसी भी प्रकार का एक्सपोजर, अगर केमिकल एक्सपोजर है, रेडिएशन एक्सपोजर मत होने दो। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू कुछ लेते हो तो कतई मत लो, तो ज़रा भी बहुत ख़राब है, राइट। 7,000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं उसमें, जो कि कैंसर कर सकते हैं। सो और इसके साथ ज़रूरी है कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर स्क्रीनिंग मतलब बीच बीच में कैंसर के लिए टेस्ट कराने सही उम्र में। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूरी है, राइट। कोलोन कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी करना चाहिए, वो रेगुलर बेसिस पे एडवाइज की जाती है, राइट। ताकि कैंसर सही स्टेज पे, अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सके, और अर्ली स्टेज में पकड़े तो वो सबसे ज़्यादा ट्रीटेबल है, क्यूरेबल होता है, पर स्टेज वाइज डिपेंड करता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं इन चीज़ों के, उनको रेगुलर टेस्ट कराया जाता है, करना भी चाहिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर है तो कई दवाएं आती हैं जिससे आपका कैंसर का रिस्क रिड्यूस कम होता है, वो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। सो ये हुई बात दोस्तों ओवरऑल कैंसर की। हर एक कैंसर के बारे में एक डिटेल वीडियो आएगा इस सीरीज़ में, और कैंसर को कोप कैसे करना है, कैसे डाइट लेना है, सब पे वीडियो बनाए जाएंगे धीरे धीरे। सो देखते रहिए इस सीरीज़ को, पर देखेंगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि सही जानकारी, सही बेसिक नॉलेज जब तक लोगों को नहीं होगी, तब तक वो हेल्थ लिटरेसी नहीं आएगी, राइट। और नॉलेज ही प्रिवेंशन है। सो दोस्तों देखते रहिए चैनल। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।